guys, my name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to tell you about passive of could have. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ could have का passive. तो समझते हैं इसका situation. दोस्तों आज का जो हमारा could have है इसके साथ verb की third form हो तो इसका passive हम लोग कैसे बनाएंगे guys? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका एक्टिव कि किस सिचुएशन में हम लोग इसका यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि दोस्तों पैसिव समझने के लिए सबसे पहले आपको एक्टिव समझना होगा ताकि आप अच्छे तरीके से पैसिव समझ सके. गाइस इसका एक्टिव का सिचुएशन ये है, जैसे मान लो मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ. पास्ट टाइम में एक लड़की रोड क्रॉस कर रही थी, अचानक से कार वाला आया और उस लड़की को हिट कर दिया, उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया. आप पास्ट टाइम में वही पे थे, आप चाह जाते तो उस लड़की को बचा सकते थे लेकिन आपने नहीं बचाया, आपने ऐसा नहीं किया. यानी पास्ट टाइम में ऐसा करना पॉसिबल था, आप उस लड़की को बचा सकते थे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया. अब आप प्रेजेंट टाइम में होकर पछता रहे हो कि मैं उस लड़की को बचा सकता था. तो इस सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पे यूज किया जाता है कुछ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब एक्टिव में. तो सबसे पहले हम लोग इसका समझते हैं स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यूज कर देना है सब्जेक्ट प्लस कुड है. ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको लगा देना है कुड है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करना है कुड है. प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. इसका एग्जाम्पल है मैं उसका जान बचा सकता था. यहाँ पे पैसिव का सेंटेंस है, उसका जान बचाया जा सकता था. तो गाइस इन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है? यहाँ पे है मैं उसका जान बचा सकता था, यानी इस सेंटेंस में गाइस आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई, यानी आई ही उस काम को खुद अंजाम देता, यानी सब्जेक्ट किसी काम को एक्शन परफॉर्म खुद करता, वो कार्य खुद करता. लेकिन दोस्तों जब पैसिव की बात आती है तो पैसिव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. पैसिव में क्या होता है कि गाइस आपका सब्जेक्ट किसी काम को खुद एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा. एक्टिव में क्या है? एक्टिव में है कि सब्जेक्ट किसी काम को खुद अंजाम देगा, और पैसिव में है कि सब्जेक्ट किसी काम को खुद अंजाम नहीं देगा बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा. यानी सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर होगा, सब्जेक्ट रिसीव करेगा, सब्जेक्ट आपका रिसीवर होगा. तो इस सिचुएशन में गाइस आपका हो जाता है पैसिव. यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग इसे बनाते हैं. मैं उसका जान बचा सकता था, तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका क्या है? मैं, यानी आई. इसके बाद लगाना है कुड हैव. कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब है उसका जान बचाना, यानी सेव्ड हर लाइफ. मैं उसका जान बचा सकता था, आई कुड हैव सेव्ड हर लाइफ. ये हो गया गाइस आपका एक्टिव का सेंटेंस. अब हम लोग देखते हैं पैसिव. पैसिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यूज कर देना है सब्जेक्ट. लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है. सब्जेक्ट आपका कोई काम नहीं करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा. प्लस यूज कर देना है कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. यदि आपको जरूरत पड़े तो आप जरूरत के अनुसार बाई लगाकर डूअर को दिखा सकते हो. जरूरत पड़े तो एग्जाम्पल है उसका जान बचाया जा सकता था, तो सबसे पहले यूज कर देना है सब्जेक्ट उसका जान, यानी हर लाइफ. इसके बाद लगाना है कुड हैव बीन. कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब है बचाना, यानी saved. उसका जान बचाया जा सकता था, हर लाइफ could have been saved. यहाँ पे एक्टिव है मैं उसे आमंत्रित कर सकता था, यानी पास्ट टाइम में ऐसा पॉसिबल था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है आई. इसके बाद लगाना है could have. could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब है आमंत्रित करना, यानी इनवाइटेड. किसे? उसे, हिम. मैं उसे आमंत्रित कर सकता था, आई कुड हैव इनवाइटेड हिम. यहाँ पे पैसिव है
उसे आमंत्रित किया जा सकता था, यानी सबसे पहले यूज कर देना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका उसे यानी ही, इसके बाद लगाना है कुड हैव बीन, कुड हैव बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है आमंत्रित करना यानी इनवाइटेड, उसे आमंत्रित किया जा सकता था, ही कुड हैव बीन इनवाइटेड। यहाँ पे एक्टिव का सेंटेंस है, वह कपड़ा धो सकता था, यानी पास्ट टाइम में ऐसा करना पॉसिबल था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह यानी ही, इसके बाद लगाना है कुड हैव, कुड हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है कपड़ा धोना यानी वॉश्ड क्लोथ्स, वह कपड़ा धो सकता था, ही कुड हैव वॉश्ड क्लोथ्स। यहाँ पे है कपड़े धोए जा सकते थे, तो सबसे पहले यूज कर देना है सब्जेक्ट कपड़े क्लोथ्स, इसके बाद लगाना है कुड हैव बीन, कुड हैव बीन, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है धोना यानी वॉश्ड, कपड़े धोए जा सकते थे, क्लोथ्स कुड हैव बीन वॉश्ड। यहाँ पे सेंटेंस है एक्टिव का, मैं उसे पीट सकता था, यानी पास्ट टाइम में ऐसा करना पॉसिबल था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका है आई, इसके बाद लगाना है कुड हैव, कुड हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है पीटना, बीटन, किसे उसे, बीटन हिम, मैं उसे पीट सकता था, आई कुड हैव बीटन हिम। यहाँ पे सेंटेंस है पैसिव का, उसे पीटा जा सकता था, तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसे यानी ही, इसके बाद यूज करना है कुड हैव बीन, कुड हैव बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है पीटना यानी बिटन, उसे पीटा जा सकता था, ही कुड हैव बीन बिटन। ये हो गया गाइस आपका पैसिव का सेंटेंस, ये है आपका कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दे। थैंक यू।